Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. हाँ जी, देखिए मोहल्ले के चकाचौंध। सुभान अल्लाह, आपके चंदू ने की है। अच्छा, हाँ जी, बच्चा यादव नहीं है? हाँ हाँ, उसके आज बच्चे का जन्मदिन है। ओ हाँ जी, उस तो दो जुड़वा, तीन तिड़वा और एक कड़वा हुआ है। एक मिनट, ये कड़वा क्या होता है यार? जो काटता है। और उसकी वाइफ ने तितली यादव, वो कहती बच्चे के जन्मदिन पर ना कवाली नाइट करानी है। अच्छा, मेरे माइंड में एक स्कीम आई, कप्पू बनेगा कवाल और हम लूटेंगे बच्चा यादव का माल। लेकिन एक शर्त है, आपने बताना नहीं किसी को। नहीं यार। अरे समझती नहीं हो तुम यार। नहीं होगा ही नहीं। अरे ये मैंने बोला था। ओ हो हो। नहीं नहीं। अरे नहीं यार। अरे वाह। देखो यार, ये इंतजाम ठीक है, लेकिन अर्चना जी आप ही बताइए, छोटे से बच्चे के बर्थडे पे कवाली कौन रखता है? कवाली होगी कवाली ही होगी। अरे डीजे नाइट रखते हैं यार, तम्मा तम्मा करते हैं। मैं तो तम्मा तम्मा के चक्कर में 12 बच्चों की अम्मा हो गई हूँ। क्या बच्चा, देखो जन्मदिन की मैंने पूरी तैयारी कर दी है, अब फटाफट से तुम 6 माले का केक मंगवा लो। 6 माले का? उस पे से कूद के जान देना है तुम्हें। फुटपाथ वाले को 6 माले का केक चाहिए। अब अगर बड़ा वाला कव्वाल नहीं आया ना, तो तुम्हारे कव्वाल के ताली के बीच में तुम्हारा चेहरा डाल देंगे, फिर पचक 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 होते रहना। देखो बच्चा, तुम तो ऐसे टेंशन ले रहे हो, ऐसे कव्वाल आएंगे, ऐसे कवालियां गाएंगे, तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे लोरियां नहीं कवालियां गा गा कर सुनेंगे। हैं? लोरी की जगह कवाली सुनेंगे? कहीं तुमने दादी नानियों को पान खिला के कव्वाल तो नहीं बना दिया? आप अभी देख लो, तो जोरदार तालियों के बीच में स्वागत कीजिएगा कव्वाल उस्ताद जी खान साहब। खूब कहा है। अच्छा, क्या बात है? किसने क्या खूब कहा है? अर्चना जी के लिए। अच्छा। जेटी से आती थी जेटी वाले को पटाके। जेटी से आती थी जेटी वाले को पटा के, अब डायरेक्ट ऑटो में आती है उसको किराया पकड़ा के। आपके बच्चे का जन्मदिन है जिले लाही? जी, जी। कहाँ करनी है कवाली? चांद पे करनी। अरे यही करेंगे यार, इतना देखिए सजाया है मोहल्ला, यही करनी है कवाली। ऐसे तो किसी बुजुर्ग शायर ने कहा है। क्या? कि हर डाल पे पंछी सोता है। इतनी भी बड़ी बात नहीं, सुनो। हर डाल पे पंछी सोता है, सजने को तो सुहागरात वाला कमरा भी सजा होता है। सजने को तो सुहागरात वाला कमरा भी सजा होता है। अगर वही कवाली सुनाएंगे तो सुहागरात कब मनाएंगे? और अगर सुहागरात नहीं मनाएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? वाह वाह उस्ताद जी, मजा ही आ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्ताद मीडियम बेगम अली खान साहब। देख तो नर टाइप कर रहे हैं, तो ये मादा टाइप का नाम क्यों रखा है? मैं बताता हूँ जी, एक्चुअली इनको बादशाह बहुत पसंद है, और जब ये बादशाह को देखती है ना, इनके अंदर की बेगम बाहर आ जाती है। ठीक कहा इन्होंने, बादशाह सलामत आइए ना, मेरी जान ले लीजिए। जी आपका चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमें। कैसी बातें करते हैं आप, आपकी धोती कितनी पतली है। तुमने तो कहा था कि बहुत फेमस है बेगम अली खान, नाम तो हमने कभी सुना नहीं। तो कैसे सुना होगा, पहले ये हंसराज हंस के नाम किससे मशहूर थे? हंसराज हंस है? नहीं नहीं, उनसे तो इनकी शक्ल मिलती नहीं है। इसीलिए तो हम दलेर मेहंदी हो गए। उनको भी हम जानते, वो यहाँ पर आ चुके हैं।
मीका वो भी आए हुए हैं। गुरु रंधावा वो भी आ चुके हैं। हाय रे, बस सारे पंजाबी इधर आते हैं, कनाडा का वीजा लगा के देते हो क्या? देखिए, आप अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप मशहूर हुए कैसे? हम पहले नेहा कक्कड़ हुआ करते थे। वो तो लेडीज है। आपको बताया ना कि इनके अंदर की बेगम जाग जाती हैं। तो उस दिन नेहा कक्कड़ जाके थी। पति यहाँ पे खड़ा हुआ है, तुम राजा को बुला रही हो, वो भी कुंडी बिना खड़काए। कम से कम कुंडी तो खड़कवाओ। तकल्लुफ ना करे नवाज। हम आपको ऐसे गीत सुनाएंगे कि आप बिना ईद के हमारे गले लग जाएंगे। पहले आप सच सच बताइए, किसी और के साथ कभी कवाली कोई की है आपने? बहुत बार की है नवाब साहब, कभी पकड़े नहीं गए। पकड़े नहीं गए? पकड़े नहीं गए। हाँ जी, बाग बाग के कवाली करते ना, ऐसे ऐसे करके पकड़े नहीं जाते। उफ, आपका तो कुर्ता भी कितना पतला है। ये सुनी हुई लग रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उस्ताद जी ने माइकल जैक्सन के साथ भी कवाली की हुई है। हाँ जी, माइकल जैक्सन ने कब कवाली की? एक्चुअली माइकल जैक्सन साहब ने कवाली ट्राई की थी जिलेलाही। तो वहीं से बता दीजिए ना, ऐसा क्या है? उनसे हुई नहीं। हमने कवाली शुरू की, वो ऐसे ऐसे चलने लगे कि हमसे ना होगी। ऐसे ऐसे चल नहीं रहे, वो मून वॉक होता है, उनका फेमस स्टेप है वो। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कोई कवाल है चंदू। क्या बात कर रहे हैं जिलेलाही, आपको ये कमर की लचक नहीं दिखाई देती है क्या जिलेलाही? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कवाली का आगाज करूं? एक मिनट उस्ताद जी, अगर आपको गीली कवाली करने का मूड हो रहा तो मैं अंदर से डायपर मंगवा दूं। ये हमारी कवाली का हुक स्टेप है मोटी आपा, आप नहीं समझेंगी। बूरी चल बे। चल बे। दीदी पहले गिफ्ट लो। अरे गिफ्ट आया है। कितनी प्यारी है यार, एकदम मेरी बहन। क्या गिफ्ट लाई है मैं देखती हूँ। दीदी ऐसे सबके सामने नहीं गिफ्ट खोलते। हमें नहीं खोलते, तू तो घर की है। सही फरमाया आपने। ये देखो, ये शेविंग किट। हमारे एक साल के बच्चे के लिए तुम शेविंग किट लाई है? हाँ जीजू, आप ही तो बोलते हैं कि आजकल बच्चे उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। अब क्या पता आपके बच्चे के भी एक दो महीने में दाढ़ी निकल आए। यार इतने सालों से इस लड़की को जरा भी अक्कल नहीं आई, छोटे बच्चे की कोई दाढ़ी निकलती है? हाँ एकदम तेरा ना बकवास गिफ्ट है। अरे दीदी गिफ्ट तो मैं खुद हूँ, आपके बच्चे के बर्थडे पे आज मैं जादू करके दिखाऊंगी। भूरी तुम्हारा जादू तो पहले मेरे सर पर चढ़ा हुआ है। चढ़ा है वो जादू नहीं, जुए। ये ठीक है। और दीदी इतनी शुभ अवसर पे इस अशुभ इंसान को क्यों बुलाया है? बुलाया मतलब ये सारी पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की है। हाँ, और जो जो कवाली वाले उस्ताद जी ना, वो मैं लेकर आया हूँ इधर। ये और उस्ताद, यू ऐसे लोग तो बसों में चूड़न बेचते हैं। ये और साली, ऐसे लोग उन्हीं बसों में से चूरन लेके खरीद के खा जाते हैं। जिल्ले लाही, ये तो हम अपने सलीके की वजह से हाथ बंधे हुए, वरना हम तो इनको क्या क्या बुलाते। ए पागल है सपना तू, आज यार की शादी नहीं, आज मेरे बच्चों का जन्मदिन है। नहीं नहीं, मेरे यार की शादी थी ना, मैं उधर जा नहीं पाई, तो मैंने सोचा मेरा डांस वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने इधर आके कर दिया ये। एनी वे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तो ठीक है, सिलेंडर क्यों लाई हो साथ में? अरे तो तुम्हारे बच्चे के लिए गिफ्ट है। सिलेंडर? हाँ। शेविंग किट? हमारे बच्चे का बर्थडे है, बाल नहीं आई है कि सारा रिलीफ फंड इधर ही आ रहा है। बुरा न मानिएगा जिले लाही, नहीं हम गैस प्लांट जैसी औरत है, सिलेंडर ही तो गिफ्ट करेगी और क्या कर सकती है। हाँ, ये बात भी सही है। मैंने कुछ बोला, मैं बच्चे की मौसी है, मौसी। अच्छा ए, इसका भी बड़ा अपना ही चल रहा है इधर। जहाँ अपना फायदा देखती है उधर रिश्ता बना लेती है, कभी किसी का भांजा बन जाती है, कभी किसी की मौसी बन जाती है, कभी किसी की दीदी बन जाती है। मैं तो फिर भी रिश्ते बनाती तेरे जैसे नहीं,
इसको तो इसके घर वाले ना करते, इसका खुद का सग्गा बाप बाहर जाते ना इसके साथ, बोलता है मेरी फूफी का लड़का है। ओ जेसीबी मशीन से बड़ी औरत। जेसीबी, मैं जेसीबी है ना, मैं बहुत अच्छी है बता रही है तेरे को। यहाँ ना खुदाई करके तेरे को अब बीच गाड़ देगी बता रही है। मैं तितली भाभी बता इन लोग को, मैं बच्चे की मौसी है। हेलो, तुम्हारे जैसे ना मौत के कुएं होते हैं मौसी नहीं, मौसी मैं हूँ ओरिजिनल। देख तू मोमबत्ती जैसी मौसी, अभी फूंक मारेगी ना बुझ जाएगी इधर बड़ी आई। खबरदार, अगर मेरे बच्चे के जन्मदिन वाले दिन तुम्हें उन्हें से क्लेश डाला तो। अरे कपाल साहब आप क्या कर रहे हैं, औरतों का झगड़ा देखने आए हैं आप? उफ, औरतों का झगड़ा देखने में बड़ा मजा आता है जलीलाही। हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा ना हो तो मैं इन दोनों छिलेरियों को आपस में लड़वा देती हूँ। हमारे इधर जूड़ा कुटाई बहुत फेमस है जलीलाही। आप कवाली शुरू करो ना। नाराज क्यों होती है मोटी आपा, चलिए कवाली शुरू करते हैं। हाँ कीजिए। आइए ना जहाँ अपना, हमारे बगल में बैठ के कवाली का लुत्फ लीजिए। चलिए शुरू कीजिए। तो जन्मदिन की इस रंगीन शाम का आगाज करते हैं उनके नाम से जो इस मोहल्ले की मुखिया हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ क्या बात। अर्ज किया है, लोग आए यहाँ कमाने पैसे वैसे, सिद्धू की कुर्सी खा गए लोग कैसे 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 कैसे। दस टाइम का खाना ये एक टाइम में खाती है, एक टाइम में खाती है। पॉलीथिन में भर भर के घर को भी ले जाती है, घर को भी ले जाती है। इतने जोर से हंसती है चुड़ैल भी डर जाती है, डर जाती है। कपूर भाई भन के ये हफ्ता भी ले जाती है, हफ्ता भी ले जाती है। कुर्सी पर इतराने वाले पर इतराने वाले कल को तू पछताएगा, सिद्धू जिस दिन आएगा वो कुर्सी को ले जाएगा, सिद्धू जिस दिन आएगा वो। क्या बात है। तो हाजरी, बच्चा यादव जिनके सुपुत्र का जन्मदिन है उनके लिए अर्ज किया है। 11 बच्चे 35 भैंसे पता नहीं क्या खाता है, 2 मिनट हम घूमने जाएं बच्चा हो जाता है, बच्चा हो जाता है, बच्चा हो जाता है। लगे तरबूज जैसा हेयर स्टाइल कैसा है, खुद को समझे हीरो ये दिखता बिल्कुल भैंसा है, वर्ड पले के जोक बना के बड़पले के जोक बना के कब तक सुनाता जाएगा, एक दिन इसके कारण बड़ पे प्ले बैन हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया। क्या बात है उस्तादी, क्या बात है। हमारे ऊपर अब सुना ही दिया है तो अब थोड़ा सा हमारी तरफ से ना, हमारी वाइफ के ऊपर, तितली के ऊपर थोड़ा सुनाइए। ये लीजिए हमारी तरफ से, ये दीजिएगा उनको। ये लीजिए, पैसा पकड़, जिस काम के लिए आई पैसा पकड़। अर्ज किया है मोटी आपा के लिए। क्या हुसन है आपका,
नाम इसका तितली है, दिखती पर ये हाथी है, 100-100 रोटी एक बार में बैठ के ये खाती है, बच्चे इसके कहते हैं मम्मी डायपर पीला है, खुद को समझे मुन्नी जो दिखने में पतीला है, कितनी भी तू डाइटिंग कर ले, कितनी भी तू डाइटिंग कर ले पतली ना हो पाएगी, गोबर उठाने वाली तू तो गोबर ही उठाएगी, कितना खाना खाने वाली खा जाएगी, कितना खाना खाने वाली खा जाएगी, खा जाएगी, खा जाएगी, खा जाएगी, खा जाएगी। अब बात करते हैं तितली से भी छोटी टिड्डी भूरी की। जुए में बराबर के पत्ते बांट लेती है, ट्रेन में 2 मिनट में जेब काट लेती है, चंदू ढाबे वाला इसको बड़ा प्यार करता है, मुंह खोल के देखो 250 ग्राम जर्दा है, यहाँ वहाँ जाकर ऑडिशन ये देती है, होठ से बांध कर बकरी खींच लेती है, इसमें मरने वाले कल को बहुत तू पछताएगा, जो भी इसको ब्याहेगा बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो भी इसको ब्याहेगा बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो भी इसको ब्याहेगा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मैं बेड़ा गर्क कराने के लिए तैयार हूँ, चलो पूरी ये सब तुली, बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे उस्ताद जी, इस सब नुल्ली के बारे में कुछ सुनाइए। हाँ नहीं नहीं सुनाइए, हमारे टाइम पे भी बहुत हंस रही थी, ये लीजिए और लीजिए सुनाइए आप, ये पास करो, पास करो। इससे गिनो नकली तो नहीं। अर्ज किया है इरशाद, क्या बात है। गरम गरम तेल को ये बॉडी पे लगाती है, पार्लर के बहाने सूरों को नहलाती है, एंट्री में 7 मिनट नाचती है, एक्टरों से बार बार 1 करोड़ मांगती है, 1 करोड़ मांगती है, 1 करोड़ मांगती है, लड़की बनके घूमने वाले, लड़की बनके घूमने वाले लड़का ना बन पाएगा, कुछ तो अपना कर ले, कब तक गोविंदा का खाएगा, बहुत मजा आया मेरे को, अंदर अंदर बहुत मजा आया मेरे को। अभी ना थोड़ा इनके बारे में भी बोलिए ना, मैं चाहती हूँ इनके कान से भी पीक निकले, हमारा भी ले लो भाई, बचा कुचा जो भी है, लेकिन सुनाओ। हाय अल्लाह, पूरा बैंक आ गया है। इस चंदू के लिए अर्ज किया है। उस्ताद जी थोड़ा कम करना, हम चंदू थोड़ी ना है जो कम करेंगे, जितना सोनी साहब से प्रॉमिस किया है उतना करके जाएंगे। नाम इसका चंदू है, रोड पे पाया जाता है, ऊपर वाले के नाम पे ये कमा के खाता है, ये कमा के खाता है, ये कमा के खाता है, कुत्तों के मुंह से ये तो बिस्कुट छीन के लाता है, ओए ओए के बिना और कुछ ना आता है, और कुछ ना आता है, और कुछ ना के चक्कर में, दोस्ती के चक्कर में कब तक चोपे आएगा, अपना कोई जुगाड़ लगा ले भूखा तू मर जाएगा, अपना कोई जुगाड़ कर ले भूखा तू मर जाएगा, अपना कोई जुगाड़ कर ले भूखा तू मर जाएगा, अपना कोई जुगाड़ कर ले भूखा तू मर जाएगा,
अलाप तो पूरा होने दीजिए जल्दी लाए। एक मिनट अलाप लीजिए आप। लड़कियों तुम लोग निकलो, ऑटो करो, उसको बोलो स्टार्ट करके रखना। अरे अरे पैसा भी लगता है। एक तो अल्लाह जाने हम लास्ट में पकड़े क्यों जाते हैं, डर के मारे मेरी सलवार ढीली हो रही है। एक सेकंड, दो मिनट रुकिए, हमें लूटना है। गाने की जगह पवित्र होती है, जूते नहीं पहनते। अच्छा तैयारी कर रहा है। नाम लेने की क्या जरूरत थी? अर्चना जी, आज यहाँ पे जो मेहमान आ रहे हैं वो इंडस्ट्री की उस फेमस फैमिली से हैं जो तीन पीढ़ियों से बॉलीवुड में म्यूजिक देते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ दो भाइयों की जोड़ी को, जिसमें बड़े भाई जो हैं वो कमाल के कंपोजर हैं, तो छोटे भाई जो हैं वो गजब के सिंगर हैं। प्लीज वेलकम सुपर हिट म्यूजिक डायरेक्टर अमाल मलिक एंड स्टार सिंगर ऑफ न्यू जनरेशन अरमान मलिक। वो एक बार अमाल और अरमान के लिए जोरदार तालियां। अमाल वेलकम ब्रो। वेलकम वेलकम वेलकम। क्या बात है, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। क्या कमाल का गाया दोनों भाइयों ने। अरमान जब आप गा रहे थे ना पीछे, अमाल के चेहरे की मुस्कुराहट देखी आपने? कितनी खुशी हो रही थी अमाल को। ये भाई है ना तो प्यार तो निकलता ही है। प्यार है, लड़ाइयां भी है बहुत। वो होती है, वो तो फिर उसके बिना मजा ही नहीं है लाइफ का। डेफिनेटली ये जो गाना जो मैंने गाया चले आना जी, अगर उसका जो प्रॉपर मेकिंग ऑफ वीडियो निकले तो फिर उसके बाद लोग हम लोग के गाने एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे एक साथ। एक्चुअली हम लोग लड़ाई हुई थी। बहुत शरीफ मेकिंग ऑफ बनाते हैं। अच्छा। इस तरफ से रूम से पूरी गिटार फेंकी जाती है दूसरे तरफ तक कि सही से गा, टाइम में गा, पिच में गा। लेकिन जब लड़ाई खत्म हो जाती है और मैं सोचता हूँ छोड़ो यार एक ही टेक में गा लेता हूँ, और एक टेक में गा के मैं निकल जाता हूँ और वो फाइनल हो जाता है। तो घर से लड़के ही जाया करो आप, वहां पे टाइम ना वेस्ट हो, स्टूडियो के पैसे बचेंगे नहीं। नहीं बढ़िया, मैं सब सिंगरों के साथ करता हूँ, ऐसा नहीं है, सिर्फ इसके आदमी मैं अपने गाने के लिए लड़ता हूँ कि भाई ऐसा गाओ नहीं तो छोड़ दो गाना। नहीं सही बात है, वो तो गा के चले जाएंगे, नाम तो आपका आना है, अच्छा ही होना चाहिए। मेरे को जितना मर्जी बोलो मैं कुछ नहीं कहता। कभी आपको कोई गाना गवाना हो मैं पैसे भी दे दूंगा। यार मेरे साथ ना हुआ बड़ा अमाल ऐसे ना, मेरे को बड़े म्यूजिक डायरेक्टर वादे कर जाते हैं। एक बार रहमान साहब बोल के आपसे गाना गवाएंगे, एक दो और म्यूजिक डायरेक्टर आए, विशाल शेखर आए, सब बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं बट मैं तैयार हूँ, मैं ऐसे बोलने वालों में से नहीं, करने वालों में से। स्पॉट दादा, कॉन्ट्रैक्ट लाओ अमाल सर के लिए, ड्राई फ्रूट शेक लेके आओ। You want something? नहीं नहीं I'm good. आप तो मेरा काम ले रहे हो। अच्छा मैंने एक और बात सुनी है, कहते हैं कि अमाल जब हैप्पी गाना बनाते हैं ना कोई, तो ये गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। हाँ और जब सैड बनाना होता है तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। सीरियसली सही बात है, आपने बोल दिया, आप फंस गया मैं, अब नहीं होगा ये ट्रिक यूज। मतलब ऐसे होता था पहले? हाँ थोड़ा थोड़ा कर लेता था। अच्छा? देखो खुश हो रहे लोग। आंटी आंटी वहां से, आंटी खुश है, आंटी खुश है तो मैं ठीक हूँ। कहाँ, कौन सी आंटी? अच्छा आपने क्यों हाथ खड़ा कर लिया अर्चना जी? आपको थोड़ी मैं उसको पॉइंट कर रही हूँ। आपके पीछे बैठी हुई थी। ऐसे ही पहले लड़कियां मेरे लिए भी करती थी। पहले अब
भी करती है आज भी आज अब तो वैसे ही करती ना कि हेलो पहले वो अच्छा था कि नंबर वंबर भी मांग लेती थी कभी नहीं अरमान कभी ऐसा हुआ आप कितने सारे लाइव शोज करते हो गाना आधा शुरू किया हो भूल गए हो बीच में मैं तो हर टाइम भूलता हूँ लिरिक्स तो फिर क्या करते हो आप मैं सीधा माइक पकड़ मतलब ऑडियंस की तरफ कर देता हूँ फिर उन लोग आए हाँ कि तुम लोग मेरे फैन हो तुम्हें याद होगा तुम बोलो ऐसे एक बार तो ऐसे एक सिंगर ने किया था एक गाना गा के आता उसके आगे ऑडियंस कहती पैसे तुमने लिए तुम गाओ ऑडियंस बोल देती आगे से मैंने अरमान के बारे में सुना है कि ये स्टूडियो में लाइट बंद करके गाते हैं रियली हाँ तो सच्ची आप ही गाते हो ना कि कोई जो बंदा खड़ा कर देते हो ऐसे क्यों करते हो आप लाइट क्यों बंद करते हो अरमान नहीं नहीं मैं ही गाता हूँ क्या होता है ना कि हम लोग सिंगर जब कोई इमोशन को लेके आना चाहते कोई लाइन में तो लोग कहीं अजीब मुंह या ऐसा कुछ हो जाता है जो हम लोग चाहते कि कंपोजर देखे नहीं कभी कभी क्या होता है कि अगर सैड गाना हो तो मैं वो मूड में आने के लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दिल टूट गया लाइट ऑफ करके तो इसको मेथड सिंगिंग मैं नाम दे रहा हूँ yeah. मतलब मेथड सिंगिंग जैसे मेथड एक्टिंग होती है वैसे मैं खुद का एक एक तरीका मैंने डेवलप किया लंबा जाने वाला बंदा ये अच्छा सोच देखो आप आइडिया तो वैसे हुए होंगे ब्रेकअप तो कॉलेज वॉलेज में मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है लेकिन एक टाइम था जब मैं स्कूल में किसी को चाहता था और शी डिडंट लाइक मी बैक तो फिर उस पे एक गाना लिखा था मैंने बस इस पल में करके जो मेरे एल्बम में आया था कब कहेगी तू दैट यू लव मी ये गाना एक मैंने लिखा था उस टाइम पे वो बाद में मुलाकात नहीं हुई उससे नहीं अभी फ्रेंड है तो कोई स्ट्रेस नहीं बट शी नोज दैट तुम पसंद करते थे उसे हां ऑफ कोर्स मतलब पता था और अब उसे रिग्रेट भी होगा तो अभी उसकी शादी हुई अभी नहीं सर अभी 23 के तो है हम अभी कहाँ से तो उसके बाद फिर दोबारा वापस से उसको कर लो रिसाइकल कर लो आई मीन रिलेशनशिप को क्या बोलते हो अपना दोबारा से नहीं नहीं वो अभी पसंद नहीं होगी ना वो पुराना पन्ना है पुराना पन्ना नहीं है उसका बात यह कि तभी ना एक ही थी अभी क्या बुफे लगा हुआ है तो प्रॉब्लम यहाँ पे है भाई साहब हम भी कभी 23 साल के थे हम सब समझते हैं अच्छा अमाल आप सिर्फ रात को 11 बजे के बाद ही काम करते हैं सर धुन बनाने मैं रात को बैठता हूँ थोड़ा मतलब इसका मतलब हम ये समझे कि 9:30 से 11 हमारा शो देखते हैं आप उसके बाद आप कंपोजिशन करते हैं कुछ मैं आपका शो जब से शुरू हुआ तब से देखता हूँ मैं थैंक यू और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस शो पे आने से ही बहुत लोगों के दिलों में मैं और अरमान बसे तो आई वांट टू थैंक दिस शो एंड ऑल ऑफ सो स्वीट ऑफ यू आप ऐसा बोल रहे हो हालांकि सच ये है कि आपके टैलेंट की वजह से आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया बिकॉज आपके फैंस जो हैं वो चाहते थे आपको देखना बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज शेयर करना चाहता हूँ मैं अपने पहले US टूर के लिए गया था अच्छा और वहाँ पे जब मैंने परफॉर्मेंस की उसके बाद हम लोगों ने लोगों के रिएक्शंस लिए कि हमने आपके गाने सुने थे आपके लेकिन आपको देखा हमने पहले कपिल शर्मा के शो में क्या यार क्या बात है तो अगर कहना चाहूँ तो सही मायने में जिस तरीके का रिकग्निशन हमें मिला है इट्स कम फ्रॉम दिस शो सो थैंक यू थैंक्स टू गॉड एक्चुअली सो वक्त है अमाल और अरमान जैसे टैलेंटेड बच्चों के वेरी टैलेंटेड पापा को यहाँ पे इनवाइट करने का तो प्लीज वेलकम म्यूजिक डायरेक्टर डब्बू मलिक क्या बात है डब्बू सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में थैंक यू बैठिए प्लीज आज दोनों के बीच में हम क्लास में फंसे हैं यार मतलब क्या पापा हैं आपके वाओ एक बेटों का नाम अरमान अमाल पापा का नाम डब्बू तो पापा ज्यादा छोटे लग रहे हैं एक्चुअली अमाल बोल रहे थे कि मम्मी जो है डिस्टर्ब होती है जब मैं म्यूजिक बनाता हूँ तो इन्होंने तो अभी कुछ साल ही हुए शुरू किया है आप तो इतने साल म्यूजिक तो आपसे नहीं डिस्टर्ब हुई कभी मैडम पर एक्चुअली आपसे डिस्टर्ब होती तो ये कैसे आते हैं ना मैंने अरमान को एक लॉन्ड्री रूम में गिटार बजाते हुए सुना अच्छा और अमल को कंप्यूटर पे जब इसको मैंने प्रोग्रामिंग करते हुए देखा दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि नहीं भैया ये कुछ आगे ले जाने वाले म्यूजिक की परंपरा वाह एंड आई थिंक जिद मेरी थी लेकिन मेहनत हम सब ने मिलके की एंड गुड प्रोडक्ट्स आई थिंक जब मैं 15 था और अरमान 10 इयर्स का था तभी यानी हम लोग इतना म्यूजिक में यानी इतना मुझे फोकस हो गए टैलेंटेड लगे है कि मैंने जब ये 10th और ये 15th था मैंने डिसाइड कर लिया मुझे कुछ नहीं करना आगे ये करेंगे
लेकिन डब्बू सर, आप जब आए म्यूजिक इंडस्ट्री में, आपको पहला ब्रेक कैसे मिला था? एक्चुअली मैंने बहुत समय तक एक्टिंग करने की कोशिश की. अच्छा. और तिरंगा, बाजीगर ऐसी दो फिल्मों के अंदर मेरा छोटा छोटा. बाजीगर में थे आप? हाँ, बाजीगर में शिल्पा शेट्टी का जो लवर बॉय था, जिसको शाहरुख खान पकड़ के टांग देता है, वो मैं था. अच्छा. तो हाईलाइट ये है, वो इतनी बार तिरंगा और बाजीगर टेलीविजन पे आई है कि सिग्नल पे जब मेरी गाड़ी रुकती है, मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं है. शाहरुख ने मारा था इसको. शाहरुख ने मारा था. And I thank my stars, के thank God के मैं और acting करते हुए नहीं चला गया तो मैं भी एक character artist बन जाता. क्योंकि उस उन दोनों successful फिल्मों के बाद मुझे 90 फिल्मों के ऑफर हुए थे. मैंने पूछा अच्छा सर रोल क्या है? कुछ नहीं, आप सेट पे आ जाइए, दो तीन दिन का है, जो भी बता देंगे आपको. But in times to come, I met सलीम खान साहब. अच्छा जी. तो उन्होंने बोला कि जैसे तुम गा रहे हो वैसे तो बहुत है गाने वाले, लेकिन अगर तुम संगीत की तरफ जाओ, तुम्हारे डैडी सरदार मलिक हैं, तुम्हारे भाई अनु मलिक हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं कुछ किया तो बहुत कुछ कर लोगे. वाह. तो उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने मौका भी दिया. जैसा आप कह रहे थे ना कि कपिल शर्मा जी को अभी गवाना है जो गाना, तो अभी ये इन्होंने कंफर्म नहीं किया, मैंने भी कंफर्म कर दिया कि ये कल परसों में रिहर्सल स्टार्ट हो जाएगी इसकी. सर के लिए भी कुछ एक. और म्यूजिक की जब बात आई तो मैंने दिल तुझको दिया वो माय फर्स्ट फिल्म. अच्छा जी. जिसके लिए सिर्फ एक ही गाना मैं रिकॉर्ड करने वाला था, वो थोड़ा सा प्यार थोड़ा बाकी. अच्छा. तब सोहेल खान साहब, मतलब आई एम व्हाट एवर आई एम बिकॉज ऑफ सोहेल खान. रियली? अ बिग हैंड टू सोहेल खान. यस, देयर इज नो डाउट. तो ये जो अरमान की आवाज में जो रोमांस आता है म्यूजिक में, तो पिताजी से आया फिर है. अच्छा. हाईलाइट ये है कि मैंने अर्चना जी के साथ एक पिक्चर की थी. अरे अच्छा, नाम मत ले यार उस पिक्चर. नाम भी नहीं ले रहा. और इनको पता ही नहीं है ये सीन मेरी वो रोल कर रही थी कि मेरी स्टेप मॉम है. और मैं जब सीन करता था तो मैं सोचता था इनको यही नहीं पता मैं इनका आशिक हूँ. आज 25 सालों के बाद ये इमोशन बाहर निकल रहा है. हाँ, आज मुझे पता चला. हाँ, और हाईलाइट ये, और ये कोई मेरे को रूल अभी सडनली याद आ रहा है वो सीन. तुमको पता नहीं मेरी पोजीशन क्या है, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ. और मैं सीन एक्चुअल कर रहा जी, मगर मेरे मन में चल रहा है अरे मैं कैसे बताऊँ, आई एम इन लव विद यू. अच्छा. मैंने देखा है अर्चना जी के जितने भी चाहने वाले हैं सारे ईमानदार बड़े हैं, बोल देते हैं आके. आज तीसरी बार ऐसा हुआ है जो आके बोल रहे कि अर्चना जी पे हमें क्रश था. नहीं, कैसे नहीं हो सकता है. आपने वो गाना देखा था जिन पे इनका पहला गाना जो आया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हम सब फैन हो गए थे. जलवा. तो व्हाट यू मीन टू से, वो जलवा देखने के बाद कौन फैन नहीं होगा. अच्छा. मैं डब्बू सर आपसे, क्योंकि अरमान अमान पहले भी आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है मैं इनसे इनके बारे में कुछ पूछूंगा ये बताएंगे नहीं. मैं आपसे पूछना, आप इनके बारे में कुछ बताइए. स्कूल जाने में सबसे ज्यादा बहाने कौन बनाता था दोनों में से? ओह माय गॉड, इसको तो हम कभी स्कूल ही नहीं पहुंचा पाए. अमल मलिक जिसका नाम है. हाँ. अच्छा? मतलब एवरीथिंग वाज रॉन्ग. इसका हर एक चीज का आंसर नो. आप कन्विंस ही नहीं कर सकते कि ये बेटा तेरे लिए बहुत अच्छी चीज है. सवाल ही नहीं, बकवास है. आप बोल रहे हो तो बकवास ही हो. ये 5 साल की उम्र से एवरीथिंग इज नो. स्कूल जाने में भी तकलीफ. ये बेचारा माइंड बॉगलिंग है. मतलब 7 बजे मतलब 5:45 बजे रेडी हो जाता. इसका प्रॉब्लम ये होता था कि अरमान का, कि मैं इसके चक्कर में से जल्दी ले जाता था और आधे घंटे पहले बेसेंट मॉन्टेसरी पहुंच जाते थे. तो इसको एंटरटेन करने के लिए मैं जू बीच ले जाता था. बेटे समंदर देखो, ये अच्छा. देखो. मुझे एक दिन इसने क्लोजअप में ऐसे देखा, लुक करके ऐसे करके ऊपर से नीचे. अरे ता तल लो आप, ता दिखा लो, ये समंदर, ये घोड़ा, इतना तरुण था. एक बार मेरे को घर पे आके बोलता है कि पता नहीं क्यों मैं जल्दी तैयार हो जाता स्कूल के, और पापा हर दिन बीच ले जाते नारियल पानी खुद पीते, मुझे समंदर दिखाते. गर्लफ्रेंड किसकी ज्यादा है आपको पता भी है कि नहीं? पापा की ज्यादा लग रही है अब तो. जैसे आज बात कर रहे हैं लग रहा है पापा की. मम्मी देखने वाली से पापा की क्लास लगने वाली. अब सोशल मीडिया पे कौन ज्यादा बिजी रहता है? ये सुबह उठ के वोक अप लाइक दिस. और मैं पूछता ये सब डालने की जरूरत क्या है?
मम्मी को मतलब उनको पूछना नहीं होता कि अरमान उठ गया कि नहीं, वो सीधा सोशल मीडिया पे देखेगी कि अरमान उठ चुका है, ऑनलाइन है कि नहीं। अच्छा मैंने सुना अपनी से ज्यादा अमाल आपकी पिक्चर डालते हैं अपने अकाउंट पे, ये भी सही बात है ना? नहीं अब अमल चेंज हो गया, इसको समझ आ गई गेम। अब इसको गेम समझ आ गई, अपना अपना देखो है। अमाल हमने ऐसा सुना है आपके पास इनकी कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स हैं जो दिखा के आप कभी भी ब्लैकमेल करते हो। ये 8th स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड में था, ये थोड़े फेमस हो रहे थे, अच्छा गिटार बजाते थे स्कूल में, अच्छा गाते थे, तो मुझे लगा कि अभी बहुत हो गया इसका, अभी मैं इसको दिखाता हूँ। तो मैंने एक दिन ये सिर्फ अंडरवेयर में था और उसमें भजन पे डांस कर रहा था, किसी भजन पे। इसने वीडियो ली और मेरे पूरे फॉर की जो लड़कियां हैं उनको दिखा दिया, सबको दिखा दिया। अरे अच्छा। देखो तुम्हारा, तुम जिसके पीछे पागल हो रहे हो वो ऐसा है। ये अच्छे अच्छी तालीम मिली ना शुरू से, इसलिए कि अंडरवेयर मेरी फोटो बाहर नहीं जानी चाहिए। जाओ आप कहीं गली मोहल्लों में, अक्सर ही लोग अच्छा पहन के, लाइट चलेगी तो अच्छा पहन के बाहर आ जाते हैं। हमारे शो में तो बहुत होता है अच्छे, कोई कुछ भी पहन के आता है और सब अच्छा कमा रहे। आप लोगों से मिलके एक्चुअली बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। खुशी क्यों नहीं होगी, रोज मालिक के नाम पे मांगती है, आज मालिक आए। क्या है ना, किसी बहुत महान इंसान ने कहा है कि जो मजा छीनने में है वो मांगने में नहीं। और वो महान इंसान इनके दादाजी थे। हाँ पहले मांगते थे, फिर उनका चेन स्नेचिंग का अच्छा काम चल पड़ा और इतने टैलेंटेड थे, एक ट्रेन में से चेन खींचते थे, सामने से दूसरी आ रही उसमें कूद जाते थे। वो तो एक दिन खंभा आ गया बीच में, अभी तक उधर ही लटके पड़े हैं, कोई लेने ही नहीं गया। ये कपड़े पहन के किसको बेवकूफ बनाने आई आज? बेवकूफ नहीं, दीवाना कहो कप्पू शर्मा। ओके वैसे अमाल आपका गाना सूरज डूबा है, मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ उस गाने। थैंक यू। एक्चुअली इसको उसकी दूसरी लाइन ज्यादा पसंद है, दो घूंट नशे के मारो। प्रॉब्लम ये है कि दो घूंट के बाद रुकती नहीं है फिर। अरे बट मैं क्या करूँ, म्यूजिक का सुरूर ही ऐसा है, तो दैट्स नॉट माय फॉल्ट। लेकिन डब्बू सर आपका गाना जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वो है थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, ऑल टाइम फेवरेट। हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ है बात। पर इसका भी सेम ही है सर, इसका थोड़ा सा इलाज हुआ है, थोड़ा बाकी है। कभी तुम जिस चेहरे का मजाक उड़ाते रहते ना, उस चेहरे पे लोग जान छिड़कते हैं। किस दिन मुंह धो के जा, कीटनाशक ना छिड़के तो फिर क्या रहा है? मेरा चेहरा है कि गेहूं का खेत, कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। वैसे अरमान मुझे ना आपसे एक्चुअली सिंगिंग के बारे में कुछ बातचीत करनी है। बताओ। कर लो कॉल। अरे बड़ा रियाज करती है ये। अच्छा आपको पता नहीं? हाँ बीन बजा के लोगों के घर में से सांप निकालती है ये। एक सेकंड, तुमने कब मुझे सांप निकालते हुए देखा? आप खुद देख लो। हा? बीन बजाती रही, सांप निकले नहीं, होठ बाहर आ गए इसके। माउथ ऑर्गन बजाती है ना, होठ इतने बड़े, माउथ ऑर्गन दिखता नहीं है। बड़ी सिंगर बन रही है ना, चल गा के सुना जरा। अरे तुम तो भूल गए कप्पू, मुझे कॉलेज के प्ले में सिंगर का रोल मिला है, मैं तो एक्टिंग कर रही थी। चल झूठी, आज तक तो की नहीं तुमने। क्या कहा? एक सेकंड, क्या कहा? एक्टिंग कर रही थी, आज तक तो की नहीं, आज कैसे कर ली? पॉइंट टू बी नोटेड, जिसको एक्टिंग नहीं आती वो पिछले 6-7 साल से एक ही जगह पे नहीं टिक सकता, खासकर वो जो कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। थैंक यू दिनेश। वो तो कहीं भी अपना बैंड बैंड का गुजारा कर लेंगे, तेरा क्या होएगा पहले कोई बता। मेरा क्या होगा, मुझे काम की कमी नहीं है कप्पू, मुझे बड़े बड़े ऑफर्स आ चुके हैं ऑलरेडी। थोड़े दिन पहले एक सिंगर आए थे उस्ताद जी, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बोलते मुंह पे जुराब पहन के ना बांसुरी के अंदर घुस के उसकी सफाई करनी है। हाँ बड़ा वाला भोपू नहीं होता, हाँ, उसके अंदर कहते अपने पूरे बॉडी में एक साफ करने वाला पाउडर आता है, वो मलके आपने त्रम्पट में घुसना है, पीछे से निकलना है। ये कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं इसको। Are you done? मैं कैसे कुछ बात कर लूँ? Yeah, please. Thanks so much, कप्पू शर्मा. Thanks. मैं भी अपना काम कर लेता हूँ, मैं तो कम बिजी हूँ कोई। Of course. Yeah. वैसे अमाल, yes. आज जब मैं यहाँ आई हूँ तो यू नो तो वो तो इंटरव्यू देने आई, तू दिहाड़ी के लिए आई। माइंड योर ओन दिहाड़ी, ओके कपूर शर्मा? ओके।
वैसे मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं बोल रही थी कि आज मैं यहाँ आई हूँ, आपका म्यूजिक, मेरी आवाज अगर मिल जाए. ओहो. मैं तो कहता तुम भी आई हुई हो, पीछे लेडीज बाउंसर भी हैं, थोड़े थोड़े धक्के हो जाए. हो गया तुम्हारा बकवास. मेरे पास एक आइडिया है जो मैं शेयर करना, जो मैं अभी बोल रही थी कि अमाल आपका म्यूजिक, अरमान योर वॉइस. और ये करेगी खराब. तुमसे पूछा किसी ने? तो आई थिंक ऐसा कवर अगर वायरल नहीं हुआ ना और आपके फॉलोअर्स अगर डबल ना हुए ना, तो आप भूरी का नाम चेंज. अच्छा, हमारे फॉलोअर्स डबल. चलो गा लेते हैं प्लीज. देखो उन्होंने दिल से नहीं कहा, करा चलो गा लेते हैं. नहीं नहीं, अरमान दिल से गाएगा. क्या दिन था सर, मेरे फैन निकले आज दो दो. कप्पू बेटर लक नेक्स्ट टाइम. एक गाना गाओ तुम्हें, तुम्हारे लिए दो लाइनर्स की हैं. चल बक. सर जब एक्चुअली जब पहली बार इनको फिल्म फेयर मिला था तब कितनी खुशी हुई थी आप? आई मीन आई अंडरस्टैंड कि आप एक बाप को कितनी ज्यादा खुशी हो सकती है. बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर सूरज रुबा है, अमल मलिक को मिल गया, तो हम लोग बहुत एक्साइट हो गए भाई. म्यूजिक लेगेसी फिल्म फेयर और इस अवार्ड नाइट से पहले आज तक मुझे कभी फिल्म फेयर में इन्विटेशन तक नहीं मिला था. तो आई हैड नेवर गॉन टू दैट शो एवर. अच्छा, एज अ बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री स्टिल. आज एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ कि द कपिल शर्मा शो मेरे लिए ग्रैमी से बड़ा है. अरे सो स्वीट सर, ऑनर सर, ऑनर हमारे लिए. तो फिल्म फेयर जब बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का मिला तो हम बहुत खुश थे और हम बोले कि चलो हो गया. अच्छा जी. तो सडनली आर डी बर्मन अवार्ड फॉर द बेस्ट सिंगर का अनाउंसमेंट हुआ. हाँ. और वो अनाउंसमेंट हुआ दैट अरमान मलिक हैज गॉट इट. वाह. और ये दोनों अवार्ड जो थे इनको फोटो आपके लिए जाना था कि अवार्ड लेने के बाद आर्टिस्ट सब लोगों के साथ अवार्ड विनर्स की फोटो. अब ये दोनों अवार्ड लेके बाबगुल. सब ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हैं भैया, डैडी जी कहाँ हैं, डैडी. अब ये दोनों डैड फोटो खिंचानी. अब ये दोनों अवार्ड ऐसे पकड़े हुए मैंने, स्टंड, मतलब मैं छोड़ ही नहीं रहा हूँ. तो उन्होंने बोला भैया किसी और का एक वो ले लो, ये अवार्ड तो आज रात को आपको मिलने वाला नहीं है. अब जब घर पहुंचे हैं सब लोग, ये 3 बजे पार्टी के बाद है, बोले पापा कहाँ हैं? तो बोले ये पापा. दोनों अवार्ड को ले करके सो गए. अरे तो तूने ही तो बोला था तेरे को फेस्टिवल लुक चाहिए. हाँ तो इसको दिवाली वाला लुक दी मैं. मैंने बोला था फेस्टिव लुक चाहिए, और ये कौन सा लुक है? पटाखे कौन लगाता है यार बालों में? अरे शुक्र मना तूने दशहरे का लुक नहीं मांगा, वरना तेरे बालों में पूरा आग लगाने वाली थी मैं. चल जल्दी कर, तेरे को पार्टी में जाना है ना, सिर्फ 15 मिनट बचे तेरे पास. 15 मिनट क्यों? बम फिट किए लेना मैंने इधर. तू सच्ची में तू पार्टी में जाएगी ना, तेरी धमाकेदार एंट्री होगी उधर, मैं बता रही हूँ. कप्पू यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, ये नहीं कि कुछ सुना दे. क्या सुना दूँ मैं? अरे इतने बड़े सिंगर्स आए हैं, कंपोजर आए, कोई गाना शादा सुना दो. अरे वाह, कहने से नहीं है ये कहने. बहुत फ्रैंक हो रही है इधर तू. हैं ये और मैं है ना, तू काय को कॉमेडी कर रही है इधर. बढ़िया, इधर से फुट ले, चल निकल इधर से. कप्पू शर्मा अगर आप इतने क्यूट ना होते ना तो मैंने इसको जला देना था. अरे वाह, क्या गेस्ट लोग के लिए जोरदार ताली हो जाए. अरे वाह, जो मांगना है मांग लो. क्यों? गाड़ी बंगला जायदाद पैसा खाना भी ना, जो मांगना है. ऐसे क्यों? मालिक लोग आए लेना. रे मालिक नहीं, मलिक. नहीं नहीं, इनके पास बहुत पैसे है, लोग मालिक ही चे. हाँ अभी तो लॉस एंजलिस में फ्लैट भी ले रहे हो. बहुत पैसे है इन लोग के पास में. अरे तू जानता नहीं, मैं सच्ची बताती, ये लोग आए ले आज. तीनों भाई कितने अच्छे लग रहे हैं. वो उनके पापा है. पापा है? हाँ, काफी मेंटेन्ड पापा है. अरमन मेरे को एक बात बताओ. हाँ. इतना मेंटेन किसके लिए रखा है इन्होंने अपने आप को? अभी पता नहीं ना, अभी मिले हैं मैम से, सुमोना से. कितने सालों बाद मिले. तेरे को पता है कप्पू, हमारे नाला सुपर में से मेंटेन पापा लोग जब घर से निकलते हैं ना,
तो उनकी जो बीवी लोग रहती है वो बेटा पीछे ऐसा कर देती है। बोले जाके देख कर किधर जा रहे लगी। तुझे कैसे पता? अरे जो अंकल मेरे को मिलने के लिए आते थे ना, एक दिन उनका बेटा आ गया, दोनों को पकड़ लिया उसने। अरे फिर जो उसने बाप वाली गाली दी है ना मेरे को, माय गॉड, मेरे को लगता था माँ की गाली बड़ी रहती है, बाप की तो और भी बड़ी रहती है सर। मैं तो बता नहीं सकती। अच्छा डब्बू जी, आपको मालूम है आप में और मेरे में एक चीज बहुत कॉमन है। क्या? हम लोग दोनों कंपोज बहुत अच्छा करते हैं। तू कब कंपोज करती है? तेरे को मालूम नहीं क्या? नहीं क्या? अरे जब फोटोग्राफर मेरी फोटो खींचते है ना, मैं ऐसा कम पोज करती हूँ। क्योंकि अगर मैं ज्यादा पोज कर दू ना तो मेरे को भाई साहब बोलते हैं, फिर सब लोग अच्छा नहीं लगते। सपना कभी तो कोई काम की बात किया अगर तू? काम की बात करू? हाँ? बात नहीं अभी। अरमन 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। क्या बोला इन्होंने? 1 करोड़ उनको चाहिए। चीटिंग के लिए आपके बेटे ने चीटिंग खेले मेरे साथ में। क्या चीटिंग किया? अरे मैं कल ही टीवी पे देखी थी, बोल रहे थे बोल दो ना जरा, दिल में जो हो छुपा मैं किसी से कहूंगा नहीं, इधर बोल डाले। <ये क्या? laughs> आपका चेक बोल दिया ऐसा, मेरा मुकेश रहता ना मेरा छावा, वो कभी बोलते नहीं, मेरे मुकेश छावे को जानते, नाला सो पर मेरे रहता है सर, हम लोग का उधर डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। सची में ऐसा क्यूट पिग लोग रहते ना पिंक कलर के, उन लोग को धोने का काम है। मुकेश को देखे आप कभी? अरे बहुत हैंडसम लड़का है, कभी नहीं देखे आपने? लंगूर को पीछे से देखा है? वो सामने से वैसे ही लगता है मालूम है, एकदम रेडिश लगता है। खैर बहुत टैलेंटेड भी है। अमाल आप लिखते हो ना? वो भी लिखता है। वो क्या लिखता है? वो दीवारों पे लिखता है कुत्तों से सावधान। फिर कर दी ना तूने फालतू बात। अरे क्या फालतू बात, तेरे को क्या लगता है काम आसान रहता है क्या? एक दिन मालूम है मुकेश कैसा कुत्ते ने टांग पकड़ा था फिर भी लिख रहा था वो। तो कुत्ते ने टांग क्यों पकड़ी थी? अरे उसका है ना, वो कुत्ते की स्पेलिंग उसने DOG की जगह DOJ लिख दिया था, तो दोनों के बीच में भाव-भाव हो गया, इसलिए प्रॉब्लम। मालूम है कितना जोर से काटा कुत्ते ने? नहीं नहीं मुकेश ने कुत्ते को काटा। मुकेश को कोई काट नहीं सकता, बहुत जहरीला आदमी है वो। अच्छा। एक दिन बिल्ली उसको नोच के गई ना, तो येड़ी होके नाले सुपारा में घूम रही थी मैक्सी पहन। अच्छा सर आप मेरे को ना नाला सुपारा में लगेंगे। लगेंगे वो सपना एस कुआरा लगेंगे। हा? सपना वो शादीशुदा है। ओ आदमी चाहे जितना भी शादीशुदा हो जाए कप्पू, वक्त और हालात उसको कुआरा छोड़ ही देते हैं अर्चना जी। मैं सच्ची बता रही हूँ। हाँ कुकर में राजमा को कितनी भी सीटी बजा लो थोड़ा तो कच्चा रह ही जाता है। सही बोला ना राजमा जी, डब्बू जी। अच्छा अगर आप बिजी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन लोग को भेज देना। हाँ। तो उनके क्या लाइनें मार रही तू? तो मुकेश से प्यार करती है ना? अरे नहीं नहीं मेरा क्या है ना, मैं उधर हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं, वॉशिंग सर्विस हम लोग का अच्छा चल रहा है, अभी उधर हम लोग डुक्कर डेयरी खोल रहे हैं। नहीं टेंशन में तो दूध हम गाय का ही बेचेंगे। डेयरी का नाम है ऐसा। अच्छा। हम लोग को सेलिब्रिटी लोग चाहिए रहते हैं ना उधर ओपनिंग विपनिंग के लिए, तो आप लोग को मैं डेट बताएगी ठीक है? अच्छा मैं चलती अभी। हाँ तो मसाज नहीं करेगी आज? नहीं मसाज में छोड़ दिया। क्यों? मसाज का नाम इमोशनल हो जाती है। क्या हुआ? काय का मसाज? हाँ दे दे थोड़ा दे। काय का मसाज करेगी? मैं इतना मेहनत करती इधर आती है, मैं सबको मसाज के बारे में बताती, कोई कोई गेस्ट लोग तेरा मसाज करवाया आज तक मेरे से? मसाज का बात करती, मैं तो इतनी परेशान है, मैं अपना मसाज बताती ना सर, सब लोग हंसते हैं मेरी मसाज पे। चल ठीक है आज से नहीं हंसेंगे। अरे नहीं मजाक कर रही है पागल, ऐसा मत बोल। तू के चैनल से डायरेक्ट पंगा मत ले, नहीं हंसाएंगे ना हम लोग, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सर हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है हम लोग के पास। हा, हा। ठीक है पहला मसाज जरा डी माइनर देना। ए, मसाज का डी माइनर से क्या लेना देना? लेना देना तो हमारा अर्चना जी से भी नहीं, बैठती ना आके इधर। Oh!
मेरी फुफाट में कुछ भी बोलता है सही बहन अच्छा बीच बीच में टोकता है इसे बीच में सिंगर लोग आए माहौल बना रही है मेरे ऐसा कुछ नहीं रहते तो सर हमारे पास पहला मसाज है डब्बू मालिक मसाज इसमें क्या इसमें कह रहे थे कस्टमर आते हैं हम लोग उस कपड़ा उतारते तेल वेल लगाते हैं फिर उसको अरे तेल वेल लगाते हैं फिर उसको अच्छा प्रेशर वाला मसाज करते हैं उसका सब बॉडी पेन जाता है फिर उसको कपड़ा पहना के भेज देते हैं इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं देखा जेन्युइन मसाज बताई तो कितना गंदा एक्सप्रेशन दिया इसमें कुछ हुआ ही नहीं मेरी जितनी खुराफाते यही निकलवाता है मैं बता रही आपको तो आप सुनिए सर हाँ सुना वो वाला मसाज है हमारे पास सोच ना सके मसाज उसमें क्या रहता है इसमें क्या कस्टमर को तेल भी लगाते हैं हाँ और ऐसी ऐसी जगहों पे मसाज करते कि वो सोच ना सके ऐसा रहता है नहीं मेरा मतलब मतलब कान में मसाज करते आंख में करते ऐसा क्या सोच ना सके फिर सर हमारे पास एक और मसाज है अफरा तफरी मसाज अच्छा इसमें क्या होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग 8-10 कस्टमर एक साथ बुलाते हैं और एक ही कमरे में बंद कर देते अच्छा फिर हम लोग पुलिस का सायरन बजाते अच्छा फिर अफरा तफरी में कौन किसकी मसाज करता है पता नहीं चलता ऐसा रहता है हम लोग अच्छा आप कप्पू में जाती है मेरे को ना वो कुमार जी का शानू मसाज करने जाना है हाँ वो क्या करते हैं जब उनका शो रहता है ना अपना शानू छोड़ के जाती है इधर तो फिर मैं उनको पाउडर वेडर लगा के रखती हूँ उनका शो है वो आते रहेंगे मेरे को जाने का है और उदित जी का नारायण भी तुमने वापस लिख दिया खैर आप लोग तो म्यूजिशियंस को बहुत काम देते हैं ना मैं इन लोग को एक काम दूं ये लोग जो बैठे दूं बाय बजा आइए मां अरमान अमान और डब्बू मलिक साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए अमाल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू अरमान बहुत मजा आया सर कमाल है सर मिलके मजा आ गया एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का थैंक यू अरमान डब्बू सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अमाल अरमान थैंक यू सो मच आप जो भी करें बस अपने पापा का नाम रोशन करें हमारी फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन करें ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़